हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 4 फ्रॉम स्नैपशॉट बुक टाइटल एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। एल्बर्ट आइंस्टीन, बॉर्न 1879, डाइड 1955, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। एल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन के बाद एक ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट के रूप में जाना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द यंग आइंस्टीन, दिया गया जो एक्सट्रैक्ट है जो कि द यंग आइंस्टीन से लिया गया है, द वेल नोन बायोग्राफर, जो वेल नोन बायोग्राफर हैं पैट्रिक प्रिंगल, डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसिस, उन परिस्थितियों को डिस्क्राइब करते हैं विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मन के स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। लेट्स रीड द लेसन नाउ। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्सियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन से पूछा कि कौन सा ईयर था जिस ईयर में पर्सियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के बैटल में हराया था। आई डोंट नो सर, इस पर आइंस्टीन ने आंसर दिया कि मुझे नहीं मालूम सर। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें कई बार इसके बारे में बताया गया है। तो आइंस्टीन ने आंसर दिया, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं अवश्य ही भूल गया हूँगा सर। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन ने उससे पूछा, जो उनके हिस्ट्री टीचर थे, कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो एल्बर्ट ने कहा कि नहीं सर, और ये आंसर उन्होंने अपनी जानी पहचानी, जो उनकी अंदाज था, तरीका था, कि बहुत ही अनथिंकिंग ऑनेस्टी से कहा। अनथिंकिंग ऑनेस्टी होता है जिसमें हम किसी भी, कोई भी व्यक्ति जब अपनी स्टाइल में, अपने तरीके से जैसा है वैसा ही बोल देता है, तो उसे कहते हैं अनथिंकिंग ऑनेस्टी। और उसने, टीचर ने पूछा, वाई नॉट, तुमने क्यों ये कोशिश नहीं की। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो एल्बर्ट ने फर्दर कहा कि मुझे डेट्स को याद करने में कोई लॉजिक नहीं लगता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कोई भी इन्हें हमेशा किताब में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन कुछ समय के लिए स्पीचलेस रह गए, अवाक रह गए। फिर उन्होंने कहा, यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। अंत में उन्होंने कहा कि आइंस्टीन, तुम मुझे हैरानी में डाल देते हो, तुम मुझे हैरान कर देते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कोई भी ज़्यादातर चीज़ों को किताबों में देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, ये बात उन चीज़ों पर भी लागू होती है जिन्हें तुम स्कूल में पढ़ते हो। यस सर, तो इस पर आइंस्टीन ने आंसर दिया, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तब टीचर ने कहा कि फिर मुझे लगता है तुम्हें तो फैक्ट्स को याद करने में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, कोई लॉजिक ही नहीं लगता। तो आइंस्टीन ने आंसर दिया, फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, अगर मैं फ्रेंकली आपको बताऊं सर, तो मुझे तो कोई फैक्ट्स को, फैक्ट्स की डेट्स या इनको याद करने में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो फर्दर टीचर ने कहा उनसे कि फिर तो तुम एजुकेशन में भी कोई विश्वास नहीं रखते। ओ यस सर आई डू। तो आइंस्टीन ने कहा, हाँ सर, मैं एजुकेशन में तो विश्वास करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को, तथ्यों को याद कर लेना ही एजुकेशन होती है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकास्म। तो हिस्ट्री टीचर ने उनको कमेंट करते हुए, व्यंग करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में परहैप्स यू विल बी सो काइंड, शायद तुम इतनी दया दिखाओ, एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि तुम क्लास को शायद
अपनी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता पाओ। एल्बर्ट फ्लस्ट। इस पर एल्बर्ट थोड़ा शर्मिंदा हो गया, उसे शर्म आ गई। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। फिर एल्बर्ट ने कहा कि मेरे विचार से जो फैक्ट्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, आइडियाज़ मैटर करते हैं, आइडियाज़ ज़रूरी हैं। आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। फर्दर उसने कहा कि मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता बैटल्स की डेट को याद करने में, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और ना ही मुझे इस बात को जानने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट समझ में आता है कि किस आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। तो मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात को जानने में शो करूँगा, ज़्यादा इंटरेस्ट उस बात को जानने में दिखाऊँगा कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन की आँखें कोल्ड एंड क्रूअल हो गई, मीन्स वो बहुत नाराज हो गए। उनने कहा बहुत हो गया, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। उन्होंने गुस्से में कहा कि आइंस्टीन हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और तब आइंस्टीन को एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्टे इन का पनिशमेंट दे दी गई। Although I don't imagine it will do you much good। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारे लिए कोई अच्छा हो पाएगा, तुम्हारा कोई फ़ायदा हो पाएगा। It won't do the school any good either। और ना ही मुझे लगता है कि इससे स्कूल का कोई भला होगा। You are a disgrace। तुम तो hopeless person हो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। I don't know why you continue to come। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम रोज़ स्कूल कंटिन्यू क्यों करते, क्यों चले आते हो, क्या रीज़न है, जब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो क्यों चले आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि सर मैं तो आना ही नहीं चाहता, मेरी तो विश ही नहीं है कि मैं स्कूल आऊँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ओट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो टीचर ने कहा फिर तो तुम अनग्रेटफुल बॉय हो, एहसान फरामोश हो, और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस आफ्टरनून जब एल्बर्ट ने स्कूल को छोड़ा तो वो बहुत परेशान था। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। इस वजह से परेशान नहीं था कि आज का दिन बुरा गया था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि ज़्यादातर दिन अब बुरे ही होते थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। परेशान वो इस बात से था कि अगली ही सुबह उसे इस हेटफुल प्लेस पर, जिसे वो बहुत नफरत करता था, इस नफरत से भरी जगह पर फिर से आना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो केवल उसकी एक ही ख्वाहिश थी, वो एक ही ख्वाहिश रखता था, इच्छा करता था कि उसके फादर यहाँ से उसे ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन उनसे कहने का, उनसे पूछने का भी कोई पॉइंट नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि वो जानता था कि उनका आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। जब तक वो अपना डिप्लोमा कम्प्लीट नहीं कर लेता तब तक उसे वहाँ पर यहाँ रहना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अपनी लॉजिंग में जहाँ रेजिडेंस था वहाँ लौटने पर भी उसे किसी तरह की कोई खुशी नहीं हो रही थी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर। उसके फादर के पास स्पेयर में, एक्स्ट्रा में बहुत थोड़े पैसे थे। दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, जिससे एल्बर्ट ने म्यूनिक के सबसे गरीब इलाके के जो क्वार्टर्स थे उनमें से एक रूम ले लिया था, वहाँ एक कमरा ले लिया था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड। उसे खराब खाने से भी परहेज नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, और जो कम्फर्ट की कमी थी उससे भी उसे कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेयर, और वहाँ जहाँ रहता था गंदगी थी, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, इससे भी एल्बर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वो जो स्लम वायलेंस था, जहाँ स्लम में वो रहा करता था, वहाँ जो मारपीट होती थी, जो वायलेंस होता था, उस एटमोसफियर को एल्बर्ट पसंद नहीं करता था। वो एटमोसफियर से उसे नफरत थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालकिन थी अपने बच्चों को रोजाना पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक, और हर शनिवार को उसका हस्बैंड शराब पी कर आता था। एंड बीट हर, और उसे पीटता था। बट एट लास्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। जब यूरी उससे इवनिंग में शाम को मिलने के लिए आया, तब उसने उससे कहा, कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए अपना अलग से कमरा तो है। एट लास्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। इस पर एल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो रहते हो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, और स्लम वॉयलेंस वहाँ होता रहता है, मारपीट आपस में होती रहती है। तो कम, वो कहता है कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रहते हो, चाहे वो गरीब स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। इस पर यूरी ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि वे सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल। क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक लास्ट वीक ड्वेल में मारा गया था। ड्वेल होता है स्टूडेंट्स, जब दो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं तो उसे ड्वेल कहते हैं। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। तो एल्बर्ट ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ जिसने उसे मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। तो उसने बताया कि उसे तो इस बात पर गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स। तो उसे केवल इस बात का अफसोस है, केवल उसे इस बात की चिंता है कि जो अथॉरिटीज हैं उसने उन्हें उसे और आगे ड्वेल्स लड़ने से मना कर दिया है। ही इज अपसेट अबाउट हिज दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस। उसे तो इस बात का अफसोस है, वो इस बात से परेशान है, अपसेट है कि उसके चेहरे पर कोई भी कट का निशान या स्कार का निशान नहीं है। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, अपनी बची हुई आगे की लाइफ में बैज ऑफ ऑनर के लिए। बैज ऑफ ऑनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई मेडल मिल जाना किसी को, या कोई ट्रॉफी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो वो फाइटर है उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि उसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान ही नहीं आया जिसे वो बैज ऑफ ऑनर के रूप में लोगों को दिखा सके। उफ, एक्सक्लेम एल्बर्ट। एल्बर्ट ने इस पर क्या कहा, उसने कहा एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। और यूरी ने कहा ठीक है, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। एल्बर्ट ने दुखी होते हुए कहा कि मुझे तो डाउट है, आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल का डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स को पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। यही बात उसने अपनी कज़िन, जिसका नाम एल्सा था, और बाद में इसके इनके साथ एल्बर्ट की शादी भी हो गई थी, जब वो अगली बार उनसे मिलने के लिए आई म्यूनिक, तो यही बात एल्बर्ट ने उन्हें भी बताई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उनके फादर का एक बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, सी सेड। तो उसने कहा, एल्सा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम याद कर सको पर्याप्त तो एग्जाम्स को पास कर सकते हो, अगर तुम कोशिश करो तो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज, मैं कई ऐसे लड़कों को जानती हूँ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, जो तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा स्टूपिड हैं, हु गेट थ्रू, जो कि पास हो जाते हैं।
गेट थ्रू मतलब पास हो जाने। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वाट यू आर टॉट, तुम्हें ये भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, तुम तो केवल क्या कर दो, जो कुछ भी तुम्हें समझाया गया है, जो कुछ भी तुमने याद किया है, उसे एग्जाम्स में रिपीट कर दो बस। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा यही तो पूरी परेशानी है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, तो उन्होंने उसने कहा कि मैं रटने में, याद करने में ही तो अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है, चीज़ों को रटने की, याद करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम तो केवल कोशिश ही नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एल्सा एडेड एल्सा। एल्सा ने फिर अपनी याद को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं हमेशा तुम्हें इस बुक के साथ देखती हूँ जो तुम्हारे आर्म के नीचे, तुम्हारी बाह के नीचे लगी रहती है। वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग, ये कौन सी किताब है जिसे तुम पढ़ रहे हो। तो एल्बर्ट ने कहा अ बुक ऑन जियोलॉजी, ये जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। तो एल्सा ने कहा कि रॉक्स और थिंग्स वाली बुक, जियोलॉजी की बुक, क्या तुम इसे लर्न करते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, एल्बर्ट ने बताया कि हमारे यहाँ स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। देन वाई आर यू स्टडींग इट, फिर एल्सा ने पूछा कि फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, एल्बर्ट ने कहा क्योंकि मुझे ये बुक अच्छी लगती है, पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये सफिशियंट रीज़न नहीं है, अच्छा रीज़न नहीं है। एल्सा साइड, इस पर एल्सा ने गहरी सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट सी सेड, उसने कहा कि ऑफ कोर्स एल्बर्ट तुम ठीक हो, अपनी बात पर सही हो, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये बुक जिसे तुम अक्सर पढ़ते हो, जूलॉजी की जो बुक है, ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक, बुक्स जो साइंस की बुक्स होती थी उनके अलावा जो एल्बर्ट का एक अकेला और कम्फर्ट था वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वॉयलिन रेगुलरली, और वो लगातार नियमित रूप से अपने वॉयलिन को प्ले करता था, वॉयलिन को बजाता रहता था, अनटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और तब तक बजाता रहता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी उसे रुकने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स सी साइड, उसकी लैंडलेडी कहती थी उससे कि जो वेलिंग है, जो रोना धोना है, वो मेरी नर्व्स को परेशान करता है, मुझे बहुत तकलीफ देता है। देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस, फिर उसने कहा कि इस घर में वैसे ही बहुत चीख पुकार होती रहती है, बहुत शोर शराबा होता रहता है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, क्योंकि जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो दिन भर हॉलिंग करते रहते हैं, चीखते पुकारते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हॉल, एल्बर्ट के मन में एक बार तो आया कि वो बता दे कि वही होती है हर बार, ज़्यादातर वही होती है जो उन्हें हॉल कराती है, उन्हें मारती पीटती है, जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने डिसाइड किया कि बेटर यही रहेगा, अच्छा यही होगा कि वो कुछ ना कहें। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बताया कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना होगा, मुझे यहाँ से गेट अवे कर लेना होगा। आफ्टर सिक्स मंथ्स अलोन इन म्यूनिक, ये बात उसने 6 महीने म्यूनिक में रहने के बाद, अकेले रहने के बाद कही। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं इसी तरीके से अगर चलूँ तो ये बहुत बुरा होगा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में यही इसका एंड होगा, निष्कर्ष निकलेगा कि मैं अपने फादर के पैसों को बर्बाद कर रहा था। एंड एवरी वंस टाइम, और हर इंसान के, हर टीचर के टाइम को मैं बर्बाद कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, सभी के लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं यही स्टॉप कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने उससे पूछा कि फिर तुम तब तुम क्या करोगे।
आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान चला जाता हूँ, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, और इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, और उसकी आँखें एक अचानक से जो आइडिया उसके दिमाग में आया था उससे चमक उठती हैं उठी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, तो उसने यूरी से पूछा कि यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, तो यूरी ने आंसर दिया कि मैं कई मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ फ्रेंडली भी हैं। एंड सेड यूरी, यूरी ने कहा डॉक्टर नो, उसने कहा लेकिन मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, तो यूरी ने आगे कहा कि मैं कभी, मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है। सपोज सेड यूरी, यूरी सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से, और मान लो एक डॉक्टर कह दे इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बुरा रहेगा, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अगर ऐसा ऐसी एडवाइस कोई डॉक्टर दे दे तो मान लो। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि मुझे कोशिश करनी होगी टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व, और एक डॉक्टर ऐसा ढूंढने की कोशिश करनी होगी जिसकी नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइजेशन हो, जो नर्व्स को डील करता हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, एंड देन एडिड, तब उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया, रादर रिलेक्टेंटली आई आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक, तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहूँगा कि अगर वो किसी ऐसे फ्रेंडली डॉक्टर्स के बारे में जानते हों जो कि नर्वस में स्पेशलाइजेशन रखता हो, जो नर्व्स को डील करता हो, अगर ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर तुम चाहो तो। विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखों में ये बात सुनकर चमक आ जाती है, और उसने कहा यूरी तुम करोगे, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, और वो उसे थैंक यू कहता है। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, तो एल्बर्ट ने कहा कि रुको, मैंने अभी ऐसा कोई डॉक्टर अभी तक ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल, तो एल्बर्ट कहता है कि लेकिन तुम ऐसा एक डॉक्टर ढूंढ लोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मैं ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहेगा। ही विल, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा डिक्लेयर करते हुए वो करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, तब उसने क्या कहा कि मुझे वास्तव में ही नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है और ये बात उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ही लाफ्ड मैरिली, और तभी वो खुश होकर हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी, यूरी ने उस पर रिमार्क करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें अब से पहले इतना ज़्यादा नर्वस कभी नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसे एश्योर करते हुए कहा कि मैं इस जिस तरीके से स्कूल में चल रहा हूँ, जिस तरह से मेरा चल रहा है, अगर एक या दो दिन और ऐसे ही उसी स्कूल में मैं जाता रहा तो एकदम वैसे ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा जैसा मैं तुम्हें